हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तु है जिन्हें आप बदलना चाहोगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हो जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसल समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वो हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप एक एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है। चित्र 6.1, अब उसकी हवा निकाल जाने दें। चित्र 6.1, गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 2, एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कर लीजिए। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। क्रियाकलाप 3, गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलन की को बेलने की कोशिश कीजिए। चित्र 6.3, शायद आप इस के आकार से बहुत खुश न हो और इसे रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। गुथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो तीन परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और अमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का अमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अलग ढंग से करने के लिए क्रियाकलाप 4 करेंगे। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, जिसको किया गया उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5, अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखांकित बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। चित्र 6.4, कागज से काटकर बनाया गया हवाई जहाज। क्रियाकलाप 6, गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। चित्र 6.5, एक रोटी। यदि आपसे वही तीन प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं तो उस
इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 व 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व अमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी की ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। सारणी 6.1 कुछ सामान्य परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। कच्चे अंडे से उबाला हुआ अंडा आया नहीं, गाढ़े घोल से इडली, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधी डेरी से कुंडली डोरी, सीधी डोरी से कुंडली डोरी, कली से फूल, दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइस क्रीम। तरीके हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। चित्र 6.6 क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे की फलकों को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? ये हत्था पर जड़े हुए फलक लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलकों में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्थे आसानी से इसमें जड़ दिए जाते हैं। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कसा कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरों से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर ये रिम धातु की रिम जड़ित बैल गाड़ी का पहिया चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी से रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है या किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। बूझो ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक एक काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित परिवर्तन किया जा सकता है? पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़ों को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल न हो जाए तब तक यह मुलायम हो जाता है, तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ है? क्रियाकलाप 7 एक छोटी मोमबत्ती लेकर इसकी लंबाई स्केल से मापे, इसे एक ऊंची स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई मापें। चित्र 6.8 मोमबत्ती का जलना। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ
मोम बर्तन में लें और गर्म करें, तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? चित्र 6.9 में दिखाया गया है। मोम को गर्म करना चित्र 6.9 में दिखाया गया है। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक यह पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें, धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनती हैं, ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावना सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिस मोमबत्ती को जलने में उपयोग किया जाता है? अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों, तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटे के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रमुख शब्द, पहला परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन। सारांश, कुछ परिवर्तन को मित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। परिवर्तन लाए जा सकते हैं। प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप, एक नींबू पेंट ब्रूस और एक कागज का टुकड़ा लीजिए। नींबू को काट कर उसका रस एक प्याले में निचोड़िए। नींबू ब्रूस को नींबू के रस में डुबोइए तथा उससे कागज पर कुछ संदेश लिखिए। कागज को सूखने दीजिए। आप पाएंगे कि लिखे संदेश के अक्षर अदृश्य हो जाते हैं। अब कागज को लोहे की गर्म स्त्री से दबाइए तथा मोमबत्ती की लौ पर गर्म करें। ध्यान रखिए कि कागज जले नहीं। कागज के गर्म होने पर अदृश्य अक्षर गहरे भूरे रंग के में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उन परिवर्तनों की पहचान कीजिए, उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। अपने घर पर बनने वाले पकवान को देखिए। इनमें होने वाले कोई दो ऐसे परिवर्तन बताइए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। एक वर्ष में मौसम के अनुसार सब्जियों, कपड़ों, प्राकृतिक तथा अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तन का रिकॉर्ड बनाइए। उत्क्रमित किए जाने वाले या न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए।